जो वीडियो मुझे डिलीट करने की धमकी मिलन पी डिलीट करो न तो मसलो थो मसलो करो कहीं ताकत को जो करे इज्जत जान अल्लाह सही है वो ताकतवर लोग हैं, पुलिस उनके सामने झुकती है, डरती है। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, डीजी रेंजर्स, चीफ ऑफ आर्मी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इस शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा, यह इस जागीरदारी निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये मुकदमे दो हैं लेकिन गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई है, बिल्कुल सिफर है। सिंध की बात कर रही हूँ जहाँ एक ही दिन में एक ही पार्टी के दो एमपीएस के खिलाफ कत्ल के मुकदमात दर्ज हुए हैं लेकिन दोनों में मरकजी मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कराची के मेमन गोट में शहरी नाजिम जोखियो का कत्ल, जिसका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के एमपीए जाम उवैस जोखियो पर लगाया जा रहा है। लवायकीन के मुताबिक नाजिम ने चंद गैर मुल्की शिकारियों को तलोर के शिकार से रोका था और उनकी वीडियो बनाई थी जो वायरल हो गई और उसके बाद से उन्हें मुसलसल धमकियां दी जा रही थी। लवायकीन का इल्ज़ाम है कि ये गैर मुल्की शिकारी पीपल्स पार्टी के एमपीए जाम उवैस जोखियो के मेहमान थे। नाजिम की बनाई गई वीडियो वायरल हुई, उन्हें जाम हाउस बुलाकर मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया और लाश भी उसी घर से मिली है, जबकि दर्ज की गई FIR के मुताबिक लाश एक फार्म हाउस के करीब से मिली है। पुलिस ने जाम उवैस के मुहाफिजों को तो पकड़ लिया है लेकिन वो खुद जो मरकजी मुलजिम हैं हाथ नहीं आए। लवायकीन दुहाइयाँ दे रहे हैं कि पुलिस ताकतवर के आगे झुक रही है। वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, डीजी रेंजर्स नोटिस लें। दूसरी जाने पीपल्स पार्टी के लाड़काना में एमपीए गरोर आसरान, इन पर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि उनके मुहाफिज ने उनके बल्कि मुहाफिजों ने एक घर पर फायरिंग की है जिससे मुबैना तौर पर एक खातून कत्ल हुई है, कई लोग ज़ख्मी हुए हैं लेकिन वहाँ भी 24 घंटे गुजर गए हैं और SSP कंबर शहदाद की यकीन दहानी के बावजूद मुकदमा ही दर्ज नहीं हो सका है। नबील कबूल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, गालिबा इस बात का बेहतर जवाब दे सकें। नबील साहब बहुत शुक्रिया सर, वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया, उसके बाद पुलिस ने फुर्ती दिखाई सर, जाम उवैस के मुहाफिज गिरफ्तार कर लिए।